टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्विगी डिलीवरी बॉय बनकर घर से करीब 13 लाख रुपए के सामानों की लूटपाट कर फरार हुए 3 आरोपियों को ठाणे शहर की नौपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन कंपनियों से खरीदारी का चलन जहां बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में लोगों को जोखिम का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया है कि सामान डिलीवरी करने के लिए स्विगी बॉय बनकर 3 लोग नौपाड़ा के एक सोसाइटी में गए। फ्लैट नंबर 5 में पहुंचकर इन लोगों ने चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के गहने लूट लिए। लूटपाट करने के बाद ये तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने वसई विरार भिवंडी के करीब 63 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसके बाद इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है जय भगत, अभिषेक सत्यवान और एक नाबालिग है। सहायक पुलिस आयुक्त सोनाली ढोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। ये जो वारदात हुई है वो 9 मार्च 2022 को नौपाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत पास पकड़े एरिया में जय वसंत कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसमें हुई है। इस घटना को जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है जय भगत, उसके 2 सहकारी थे अभिषेक देड़े और एक जुवेनाइल आरोपी है। इन्होंने स्विगी का आउटफिट परिधान करके इस सोसाइटी में गए, फिर सिक्योरिटी गार्ड को रजिस्टर किया, जिसमें उन्होंने फेक मोबाइल नंबर दिया था। और जब वो जहाँ पर घटना हुई है उस फिरियादी के घर गए, तब उन्होंने फिरियादी ने बताया था उनको कि हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है। फिर उन्होंने पानी की मांग की, अच्छा हम गलत आए लेकिन हमें पानी की ज़रूरत है इसे बोला, तो इसलिए फिरियादी ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फिरियादी के जो छोटा बच्चा है उसको चाकू दिखाकर इस घटना को अंजाम दिया है। किस तरह आपने डिटेक्ट किया, कितने किलोमीटर का सीसीटीवी आप लोगों ने चेक किया? इस घटना को डिटेक्ट करते वक्त हमारे नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई धुमाल साहब और उनकी टीम पीएसआई लबड़े, एपीआई गोसावी और उनके जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस भी किया, सीडीआर डम डेटा एनालिसिस, और लगभग विरार तक और गणेशपुरी तक 45 सीसीटीवी सर्च किए। उसमें आरोपी घटनास्थल से लेकर विरार तक जाते हुए देखे, उसके बाद वो दिखे नहीं। फिर हमारे टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चला कि ये घटना का अंजाम देने वाला मेन मुख्य आरोपी है वो डोंबिवली का रहने वाला जय भगत है, और वो उसने अपने साथियों के मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? लोगों को यही आह्वान करूंगी मैं कि आप मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जो भी ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, खाने का सामान हो या फिर और कोई भी, उन्होंने एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सच में ऐसा कुछ सोसाइटी में किसी ने मंगवाया है क्या। इंटरकॉम की सुविधा रहती है या फिर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उन्होंने एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि इस सोसाइटी में जो चीज़ देने के लिए वो डिलीवरी बॉय आया है, ऐसा कुछ ऑर्डर उस सोसाइटी के किसी इंसान ने किया भी है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक है कि हमारा जो रिकवरी हुआ है, इसमें लगभग 13,40,000 की रिकवरी हुई है। इसमें 3 लाख रुपए कैश है, 10 लाख की एक कार है, चाकू है, 2 मोबाइल फ़ोन है और एक गले की गोल्ड चेन है।